1984 दंगों का जिक्र एक बार फिर सियासत का जरिया बन गया, लेकिन इस मुद्दे को गरमाने वाले कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी के बयान के बाद से सियासी बवाल फिर से शुरू हुआ। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि 1984 दंगे से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। अब उनके बयान के बाद से सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा लंदन में 1984 के सिख दंगों पर दिए गए उस बयान पर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है, जिसमें राहुल ने कहा था कि 1984 के सिख दंगों में कांग्रेस का कोई हाथ नहीं है। राहुल के इस बयान को विवादित बताते हुए पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया। बादल ने कहा कि खुद टाइटलर ने स्टिंग ऑपरेशन के दौरान 100 सिखों को मारने की बात कबूली थी। राहुल गांधी ने एक क्लियर मैसेज दे देता कि गांधी फैमिली उन्हां लोकां दे मगर है जिन्हां ने 84 विच हजारां भैण भरा सिख भैण भरावां दा कतल किया। मैं राहुल गांधी नूं पुछना चाहुंदा कि थोड़े विच ते थोड़े बाप विच ते थोड़ी दादी दे विच मतलब सोच हले तक भी नहीं बदली हजारां सिख भैण भरावां दे कतलेआम करन दे बाद हले भी तुसी प्रोटेक्ट करन ते लगे हो। मैं उन्हां नूं पुछना चाहुंदा उन्हां दे बाप ने कहा जदों हजारां भैण भरावां दे कतलेआम होया कीता गया ते राहुल गांधी राजीव गांधी ने कहा जो वड्डा पेड़ डिगदा है उदों धरती हिलदी है। जगदीश टाइटलर ने अपनी इंटरव्यू विच कहा कि मैं उस दिन अपनी कार चला के राहुल राजीव गांधी नूं नाल बिठा के मैं दिल्ली दी गलियां च लैके गया। जगदीश टाइटल ने स्टिंग ऑपरेशन जिहड़ा होया उहदा उहदे च बड़े बोस्ट तरीके नाल किया कि 100 घट तों घट 100 सिख तां मैं मारे आ। वहीं सुखबीर सिंह बादल ने इस दौरान राहुल से कई तीखे सवाल भी किए। मैं पूछना चाहुंदा है जे तुसी कहिंदे हो कि कांग्रेस ने किसे सिख दी या सिख भैण भरावां दा कतलेआम नहीं कीता 84 विच, फिर तुसीं सज्जन कुमार टाइटलर दी टिकटां क्यों कटियां? HKL भगत सारे दी टिकटां क्यों कटियां? तुसीं टाइटलर मनमोहन सिंह दी कैबिनेट मंत्री सी जो नानावती रिपोर्ट पेश होई फिर टाइटलर नूं उत्थों मंत्रीमंडल चों क्यों कढ़िया? तुसीं टाइटलर ने आप कहा कि सान मैनू चीफ मिनिस्टर ते राज्यसभा दी मैनू कमिटमेंट कीती गई सी। बार बार तुसी गांधी परिवार उन्हूं नाले सपोर्ट करदा है। तुसी अपने आप तुसी क्या आप राहुल गांधी दे बयान है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जदों माफ़ी मंगी एज प्राइम मिनिस्टर हजारां भैणां भरावां दे कतलेआम दी माफ़ी मंगी उदों तुसी वेलकम कीता तुसी आप ही पंजाब कीता बड़ी गल बादल ने कहा कि राहुल गांधी कातिलों को बचाने के लिए चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले अकाली दल कातिलों को सजा दिलाकर ही रहेगा, सिख कौम कभी उन्हें माफ नहीं करेगी। सुखबीर बादल ने कहा कि राहुल गांधी के बयान ने सिख कौम के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। मैं राहुल गांधी नु मैं सीधे तौर पर कहना चाहना जे मेरी आवाज सुन रहे राहुल गांधी जिन्ना मर्जी तू जोर ला ला इन्ना कातलों नूं बचाउण ते श्रोमणी अकाली दल ते सिख पंथ लगातार लड़ाई लड़ूगा जदों तक इंसाफ नहीं मिलता जदों तक वह सारे कातल अंदर नहीं होंगे। जिन्हें मर्जी तू ड्रामे कर ला ते मैं पंजाब कांग्रेस के भी लीडर तुसीं किसे मर्जी नूं पुछ लो किसे कांग्रेस के लीडर पुछ लो वह भी आई गल कहें सज्जन कुमार टाइटलर ने कतलेआम किया
मैं कहना तुसी हिंदुस्तानी दुनिया च किसे 8 साल दे बच्चे तो लैके 90 साल दे बुजुर्ग नूं पुछ लो 84 दे अंदर जो कतलेआम किया गया किने किया सज्जन कुमार टाइटलर ते HKL भगत ते सारी कांग्रेस की लीडरशिप आऊगा तो जिहड़ा बयान दिता गया राहुल गांधी ने आ सही मायने ते सिख कौम दे जख्मां ते इन्हें नमक छिड़के। आम आदमी पार्टी के बागी नेता सुखपाल सिंह खैरा ने राहुल गांधी द्वारा 1984 के सिख दंगों पर दिए गए बयान पर बोलते हुए कहा कि यह बयान देकर राहुल ने पंजाब की जनता के साथ मजाक किया है, सारी दुनिया जानती है कि दोषी कौन है। यही गल है कि 34 साल बाद भी सिख कतलेआम का इंसाफ नहीं मिलया और ये कुछ लोग इस दंगे कह के पेश करते हैं, दंगे नहीं सके, दंगे होंगे जो दो फिरकों के आपस लड़ाई हो गए, ये तो एक स्टेट स्पॉन्सर्ड जेनोसाइड से और निहत्ते लोगों को उन्होंने गलों में टायर पा के औरतों का बलात्कार किया गया और दुखदाई गल ये कि देश की राजधानी पुलिस फौज की नक् के थले किया गया, इसलिए अगर राहुल जी इस तरह की गल कहते दैट इज़ नॉट फेयर। हाँ ये गल जरूर है कि उन्होंने स्वीकार करके लोगों के भावनावान मरहम ला के माफ़ी मंगनी चाहिए आ। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और स्टार प्रचारक भगवंत मान ने राहुल गांधी के इस बयान पर कहा कि 1984 के दंगों पर खुद कांग्रेसी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह माफी मांग चुके हैं। देखो इस तरह तो नहीं वो एक बयान देकर इस गल तो मुकर सकते, हज़ारां लोगों का मैं दंगे भी नहीं कहूँगा, उन्होंने तो नसलकुशी सी, दंगे वो होंगे ने जो दो धिर आपस के लड़दिया ने, इधर तो एक ही धिर सी बस, तो सो ये तो हम सारे पक्का पता है कि उन्होंने पार्टी के लीडर के नाम ने सज्जन कुमार जगदीश टाइटलर तो ललित माकन होर नाम से पहले उन्होंने नाम अज भी ने उन्हें केस चल रहे हैं तो इस गल तो वह मुकर नहीं सकते तो बकायदा माफ़ी भी मंग चुके ने अपना उस पार्लीमेंट के डॉक्टर मनमोहन सिंह इस कांग्रेस वालों फिर माफ़ी मंगने की लड़ सी जी शामिल नहीं सी। सो इस तरह की बयानबाजी राहुल गांधी की जी लोगों के जज्बातों होर सगों भड़काऊगी, हजे जज्बात ठंडे नहीं हो। दरअसल ब्रिटेन के 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे राहुल गांधी ने ब्रिटेन के सांसद और स्थानीय नेताओं की सभा में शुक्रवार को इस घटना को त्रासदी तो बताया लेकिन इसमें कांग्रेस नेताओं का हाथ न होने की बात भी कही। बता दें कि 1984 के सिख विरोधी दंगे सिखों के खिलाफ थे, इन दंगों का कारण इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं के अंगरक्षकों द्वारा जो कि सिख थे किया जाना था, उसी के जवाब में ये दंगे हुए थे। इन दंगों में 3,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी।